सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए, अधिकतर सोचना अच्छा नहीं होता, ये उन समस्याओं का भी निर्माण कर देता है जो वास्तव में है ही नहीं। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है, कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। आज का पंचांग 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:21 से 4:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 2:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आज अपने ही भीतर शक्ति का नया अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में किन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं। उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाह्य मदद की जरूरत नहीं है, आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा। अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए, आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। आज आप स्वयं को अधिक भावुक पाएंगे, जिस काम को शुरू किया है उसे पूरी तरह से समाप्त करें, अन्यथा आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। अधिक बोलने से बचें और अपने काम से काम रखें। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से परेशान हैं जो आपके वश में नहीं है तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा, लेकिन ख्याल रखें कि इसे नजरअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। नौ युवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की बाबत कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। दीर्घावधि में काम काज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुश नसीबी लेकर आई है। कहीं से उधार वापस मिल सकता है जिससे आपकी कुछ आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। कुछ पारिवारिक समस्याएं हल हो जाने से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चुनौतियां रहेगी, आप अपने आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। सकारात्मक सोच की वजह से दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। सहायता करते समय खुद की समस्याओं के हल भी आपको मिल सकते हैं। अभी केवल व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देने की कोशिश करें, आर्थिक परिस्थिति ठीक करने के लिए समय सही साबित होगा। करियर संबंधी जो बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कर पाना संभव हो सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित चिंता दूर करने के लिए अपना नजरिया और विचार बदलने की कोशिश करें। पैर दर्द से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, घर के संबंधियों के आगमन से आपके कुछ कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन संबंधित पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, फालतू में कार्यों में ध्यान ना लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे, प्रेम संबंधों को वापस स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान और व्यथिर हो सकता है,
अपने साथी को समझाएं कि ये आवेग अतीत की कुछ भावनाओं के कारण था जो अनसुलझी रह गई थी। अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों में नीला रंग पहने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अगर वे अनियंत्रित रहे तो उसकी तीव्रता को कम करने की भी कोशिश करें। आज आप अपने जरूरी कामों या फोन कॉल आदि में व्यस्त रहेंगे, अपने दिल के हाथों खुद को असहाय महसूस करेंगे। ऐसे में अपने साथी को लेकर पॉजिटिव होना कोई अनोखी बात नहीं है। किसी करीबी की बीमारी का पता लगने से माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आज के दिन आप अपने प्यार के लिए पॉजिटिव महसूस करेंगे, जिससे मतभेद होने की संभावना है। खुद पर संयम रखें और अपना दिमाग किसी अन्य काम में लगाएं। अपने साथी पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के नींव पर ही लव और रोमांस का रिश्ता बनता है। अगर नींव कमजोर हो तो इसे ढलने में समय नहीं लगता। बात करते हैं करियर की। आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम आपको जल्द ही मिलेगा, जो आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अपनी मानसिक शक्तियों को नजरअंदाज ना करें, आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। आज अब कुछ उदास है, अधिक काम से आप में यह परिवर्तन आ सकता है। दुर्घटनाओं और अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। आज लोग आपके कार्य की भी आलोचना करेंगे, इसलिए सावधान रहें। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बनें। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहने से तनाव रहेगा। दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएगी। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को ध्यान से व्यवस्थित करें। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के अवसर बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक तनाव और थकान का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने ऊपर ज़्यादा कार्यभार ना लें। कईयों की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसे सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हैं लेकिन कभी उन्हें पूरा करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हैं। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।